हेलो एस टी टी वी स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल NH9 डिंग रोड सिरसा। स्टूडेंट्स, आपका SST का CT क्लास टेस्ट है। आपने क्लास टेस्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपकी जिस पेज पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो टेस्ट को, उसके हर पेज पे जो है आपका नेम और क्लास मेंशन होनी चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ रिविजन फॉर CT 2। जियोग्राफी चैप्टर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ, मीन्स की अर्थ की मूवमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ है, इसके टू टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, मीन्स टू टाइप के मोशन होते हैं, लाइक रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, मूव करती है उसके अराउंड, वो होती है रोटेशन। नाउ रिवोल्यूशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन वो होता है जब अर्थ जो है एक फिक्स्ड पाथ में अर्थ सन के अराउंड जब मूव करती है, उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, रोटेशन जब एक्सिस के अराउंड मूव करे अर्थ, और रेवोल्यूशन क्या होता है? जब सन के अराउंड मूव करे अर्थ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर किसे बोलते हैं? फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। फरवरी में जब क्या होते हैं, 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं, और उस ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल? 366 डेज। तो उस ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट वो होता है जब अर्थ जो है एक पर्टिकुलर पाथ पर जब मूव कर रही है सन के अराउंड, इस पाथ को हम इलिप्टिकल पाथ बोल सकते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस। नाउ समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस में क्या होता है? ऑन 22nd दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिसफेयर गेट्स लाइट, देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिसफेयर विद लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट। स्टूडेंट्स, जब जो है साउदर्न एरिया में सन की रेज डायरेक्ट पड़े, मतलब सीधी पड़े जिस एरिया में, लाइक यहाँ पे 22nd दिसंबर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है रिसीव करता है सन की डायरेक्ट रेज, तो साउदर्न एरिया में, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ होता है? साउदर्न एरिया में। तो साउदर्न एरिया में क्या है, बहुत समर, मींस की गर्मी होगी, समर सीजन चल रहा होगा। ओके, तो समर में क्या क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं, नाइट शॉर्टर होती हैं। ओके, इसी के उल्टा, मतलब रिवर्स अगर हम देखें, तो फिर अगर साउदर्न एरिया में समर है तो फिर नॉर्दर्न एरिया में विंटर होती है। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। नॉर्दर्न में अगर समर है तो साउथ में विंटर होगी, विंटर में अगर समर है तो साउथ में मीन्स नॉर्थ में समर तो साउथ में विंटर, साउथ में समर तो नॉर्थ में विंटर। ओके, नाउ सिविक्स चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट? स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट मीन्स सरकार, जो हमारे लिए डिसीजन लेती है और उन डिसीजंस को लागू करने का प्रयास करती है और लागू करती है। और गवर्नमेंट्स के वर्क क्या क्या होते हैं? डिसीजन तो लेती हैं, और जहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनानी है, वो बनाती हैं, स्कूल बनवाती हैं। ओके, और किसी भी चीज़ का, वेजिटेबल का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लाइक अनियंस का, प्याज का, तो उसको जो है कम रेट करवाती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ नहीं है, बिजली जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ सप्लाई करवाती है उस इलेक्ट्रिसिटी की।
और जो पुअर पीपल मीन्स गरीब जो हैं, गरीब लोगों के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स करती हैं ताकि उनको काफ़ी फैसिलिटी मिल सके. ओके, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, लेवल कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, हमने रीड किया था स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल. गवर्नमेंट के लेवल होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं. गवर्नमेंट जो होती है टू टाइप्स की होती है. गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. स्टूडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें सब पता है कि इंडिया में, इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, अपना नेता, अपना लीडर खुद चुन सकते हैं. ओके, और इसमें क्या होता है, जो 18 ईयर्स किससे अबव होते हैं या 18 ईयर्स के होते हैं उनको भी वोट मींस की इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार होता है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं. और रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं डेमोक्रेसी में. नाउ सेकंड इज मोनार्क गवर्नमेंट. मोनार्क गवर्नमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होता है राजा रानी का शासन होता है, राज होता है इसमें राजा रानी का. जो ये लोग एक स्मॉल ग्रुप होता है, कुछ ही लोगों से ये ग्रुप बना होता है, जो यही जो है डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं. पावर होती है जो इन्हीं के हाथ में होती है. पीपल्स का मीन्स लोगों का इसमें कोई रोल नहीं होता, उन्हें बस रूल्स फॉलो करने होते हैं. ये होता है मोनार्क गवर्नमेंट. बट हमारे यहाँ कौन सी है? डेमोक्रेसी. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर 4, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि हमने एक स्टोरी रीड करी थी माया नायडू की, है ना. वो स्टोरी किस कहाँ से रिलेटेड थी? साउथ अफ्रीका से. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे काफ़ी टाइम पहले एक लॉ था. कौन सा? अपार्थाइड लॉ. अपार्थाइड का मींस क्या होता है स्टूडेंट? अपार्थाइड मींस होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. मींस कि अलग अलग भांति से, जाति भेद से और गोरे काले से, जो इन रेसेस से जो है अलग कर देना, लोगों को बांट देना. ठीक है, साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसेस. इन रेसेस में जो है साउथ अफ्रीकन पीपल को, लोगों को डिवाइड किया हुआ था. कौन से? वाइट, जो गोरे लोग होते हैं, ब्लैक, काले लोग, इंडियंस और कलर्ड. कलर रेसेस कौन से होते हैं? मान लो कि इंडियन या ब्लैक, या ब्लैक या वाइट की का अगर कोई ऑफ स्प्रिंग मीन्स बेबी होता था तो उसको कलर्ड बोल देते थे. इसमें एक बॉय की स्टोरी है जो, जिसके बारे में माया रीड करती है कि उसे गोली लग जाती है. फिर अपार्थाइड लॉ के बाद फाइनली जो है ये कंट्री, साउथ अफ्रीका कंट्री जो है इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी इस अपार्थाइड लॉ से. ओके, कितने कब हुआ ऐसा? 1994 में. देन साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल. जहाँ पे सभी रेसेस मींस कि सभी भांति के लोगों को इक्वल रखा गया. ओके, नाउ चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री, इन द अर्लीस्ट सिटीज मींस कि पहले की जो सिटीज थी, जिसमें आती है हड़प्पा की स्टोरी. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पूरी हड़प्पा की स्टोरी, लाइक उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, मकानों में रहते थे, और यहाँ पे स्पेशल क्या क्या चीज़ें थी सिटीज़ की, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़. स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे ब्रिक्स मीन्स की जो ईंटें हैं वो बनाई जाती थी और काफ़ी अच्छे से बेक की हुई थी. बेक मीन्स अच्छे से पकाई हुई थी. यहाँ के हाउसेस, घर कैसे थे? जनरली हाउसेस वर आइदर वन और टू स्टोरीज हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड. मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. स्टूडेंट्स मींस कि यहाँ पे क्या होता था, वन और टू स्टोरी मतलब कि दो, एक मंजिला या दो मंजिला घर होते थे और रूम्स होते थे जिसमें बने हुए, एक कोर्टयार्ड भी होता था, बालकनी टाइप, और काफ़ी सारे जो हाउसेस थे उसमें जो बाथिंग मींस नहाने का एरिया जो है वो अलग था.
और कुछ घरों में क्या था, वेल्स थे, कुएं थे पानी सप्लाई के लिए। अब काफ़ी सारी क्राफ्ट्स भी होती थी इस सिटी में, जिनके लिए मेटल, स्टोन, शेल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, ये सब चीज़ें जो है यूज़ की जाती थी। कुछ वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल वगैरह वगैरह बनाने के लिए, वेपन्स मीन्स की औजार, हथियार वगैरह बनाने के लिए, कुछ बर्तन टाइप बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, इसलिए मेटल्स और इन सब चीज़ों का यहाँ यूज़ होता था इस सिटी में, हड़प्पा सिटी में। नाउ फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब फूड के लिए क्या करते थे ये लोग, प्लगिंग करते थे, मीन्स की खेती करते थे, प्लोइंग करते थे। प्लोइंग करेंगे तो कुछ ना कुछ इनको जो भी क्रॉप फसल वगैरह होती थी उनसे ये पेट भरते थे, मीन्स की एज अ फूड सारा कुछ यूज़ करते थे। नाउ चैप्टर फिफ्थ, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर में हमने फोर वेदा के बारे में रीड किया था। कौन कौन से थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ये कितना पुराना है, ये नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो ऋग्वेद था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, हिस्टोरियन जो है ऋग्वेदा को कैसे स्टडी किया उन्होंने। उन्होंने ये देखा कि ऋग्वेदा के अंदर जो है डायलॉग्स की फॉर्म में मंत्र, हाइम्स लिखे हुए थे डायलॉग की फॉर्म में। और वो डायलॉग किसके बीच थे, विश्वामित्र एंड टू रिवर्स। रिवर्स कौन सी थी, ब्यास एंड सतलुज, ओके, जिनको वो गॉडेस की तरह पूजते थे, मींस की गॉड भगवान मानते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अपना लाइफ को सेट करते थे, like कि अब आज के टाइम में गवर्नमेंट है तो उस टाइम में क्या होता था। ऋग्वेदा में टू ग्रुप्स होते थे, कौन कौन से, एक तो प्रिस्ट मींस की जिसको कुल मानते थे अपना, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जिनको ब्राह्मण्स भी बोल देते, और हु प्रेफर्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास। ब्राह्मण्स जो थे काफ़ी रीति रिवाज निभाने में काम करते थे, रीति रिवाज निभाते थे। और क्या कौन थे, राजास, दो टाइप के ग्रुप्स थे, ब्राह्मण और राजा। और राजा जो होते थे वो पहले टाइम के जैसे, अब के टाइम जैसे नहीं होते थे कि उनके पास बहुत बड़ी आर्मी होगी या ऑलवेज जो है आभूषण वगैरह पहन के रखते हों, नहीं, इनके पास किसी टाइप की कोई ऐसी आर्मी नहीं होती थी, कोई ये टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, और ना ही इनके जो सन्स मीन्स बेटे हैं वो ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। ये नहीं होता था कि अगर उनके फादर राजा हैं तो उनके आगे बेटे भी राजा होंगे। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास आर कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दास एंड दास्यूज। अब स्टूडेंट, जो राजा होते हैं वो अपने दास या दासी मीन्स की जो इसमें स्लेव्स मीन्स की नौकर की तरह माने गए हैं, तो उनके साथ कैसा ट्रीट होता था, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। जो जिनके अंडर वो काम करते थे वो लोग जो है स्लेव्स को, दास या दासी को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, कि कहीं भी कोई वॉर करनी है, लड़ाई करनी है तो उनको बीच में डाल देते थे। दास या दासी को अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, ओके। तो ये सब आपने इस चैप्टर में रिवाइज करना है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।